हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 111111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक है 111111 पोर्टल। आपको पता है कि आज का डेट है 11th November 2022, और ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये नंबर है मैनिफेस्टेशन का, ये नंबर है पावर का, ये नंबर है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं टाइम से रीडिंग ला नहीं पा रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो दे रही हूँ ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रह सकूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि आज के लिए मैं एक छोटी सी रीडिंग कर दूँ ताकि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया, मेरे चैनल पे आप आए, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, हमारी एक छोटी सी फैमिली जो आपने बनाई है, आपके लिए स्पेशली मैंने एक छोटी सी रीडिंग आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ। तो रीडिंग में आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1111 पोर्टल है, यानी कि 1111 पोर्टल जो है, ये आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली क्या लाने वाला है, क्या आपके लाइफ में ऐसे ऑब्स्टेकल्स रहे हैं और क्या आप उससे बाहर निकलने वाले हैं, क्या कुछ नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। तो आज मैंने कोई भी पायल्स नहीं रखे हैं फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग के तरह ही देखें। मैं ज़्यादा कार्ड्स यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत शॉर्ट रहेगा। हाँ, मैंने कुछ चिट ज़रूर रखे जो कि हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। तो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं, चलिए, कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है आज के इस 1111 पोर्टल से, और क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती है। तो लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये 111111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, लेट्स सी। ऑलराइट, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, इसे जनरल रीडिंग के तरह ही देखें, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। पहले मैं थोड़े आपके पास्ट के बारे में बताऊंगी या करंट सिचुएशन अगर आएगा उसके बारे में बताऊंगी, फिर देखेंगे कि क्या मिरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऑलराइट, चलिए, ओके, वाओ, वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव हर्मिट, वाओ, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, कैन यू सी, वी हैव 8, 8 and 9, 9। सो आज की रीडिंग में नंबर 8, नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। लेट्स सी व्हाट एल्स, ओके, फिर से 9, ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्स, वी हैव द मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, we have 2 of cups, we have 7 of swords। मैं थोड़े और कार्ड लूंगी फ्रेंड्स क्योंकि एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, ओके, थोड़े से और कार्ड्स फ्रेंड्स, लेट्स सी, ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव, ओके, वाओ वाओ वाओ, आज तो 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी नाइस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैंने निकाल लिए हैं कार्ड्स, 9 और 8, 9 और 8 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे 4, 4, 9 दिख रहे हैं, 3, 3, 8 नंबर नज़र आ रहे हैं, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में।
तो चलिए साइन और एलिमेंट से रीडिंग जैसे हम शुरू करते हैं, तो चलिए साइन और एलिमेंट की बात करते हैं। आज इस पूरी रीडिंग में वर्गो की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे फायर साइन दिख रहा है एरीज लियो सैजिटेरियस, इसके अलावा मुझे दिख रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एयर साइन भी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और वाटर साइन भी है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बार बार खांसी आ रही है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए बताते हैं कि ये पोर्टल क्या है और अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर जो मैसेजेस आ रहे थे जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी वो इससे आ रहे थे कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपका जो एक स्पीड है अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं रुक गया है। यानी कि आप हो सकता है अगर जॉब कर रहे, पहले मैं जॉब की बात करती हूँ, हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, जो ग्रोथ था आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ग्रोथ रुक गया है, किसी चीज़ में एक यू नो कमी सी आ रही है। वो क्या है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे अपनी ही सिचुएशन में स्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम तो ज़रूर है, जो कि आप किसी को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा मुझे ऑब्स्टेकल नज़र आ रहा है वो ये है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका हाल फिलहाल में हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, या फिर ऐसे भी यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ा हो, वाद विवाद हो सकता है, ऑफिस में क्लैशेस हो सकते हैं लोगों के साथ, यू नो हो सकता है लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा यू नो गलत तरीके से ले लिया, गलत तरीके से आपके साथ बिहेव कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी यही मुझे फील करा रही है कि ना आप पर्सनली अपने लाइफ में खुश हैं, ना फिर या फिर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश नहीं हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो पर्सनली भी खुश नहीं है, प्रोफेशनली भी आप कुछ खास नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिकली ये मैसेज भी मिल रहा है कि हो सकता है आपका अपनी मदर के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मून का कार्ड है और ये कहीं ना कहीं ये भी बात करता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे वाद विवाद हुए हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ हो कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं बट आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं वो एक ऑब्स्टेकल सी बन गई है, कास्ट की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके इन लॉज हैं ठीक है उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी मदर के तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये डिसबैलेंस की स्थिति मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है फ्रेंड्स। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मैसेज जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हो सकता है किसी केस में फंसे हुए हैं, प्रॉपर्टी से लेकर ये केस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली यू नो हेरिटेंस जो हो सकता है फैमिली प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर आपका कोई यू नो दुकान हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका कोई शोरूम हो सकता है, ऐसी कई सारी चीज़ जो लाइक लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, कभी ज़मीन को लेकर हो गया, किसी फ्लैट को लेकर हो गया, या फिर किसी यू नो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर हो गया, ऐसे भी सिचुएशन में काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लोगों की तबीयत भी मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि मेंटल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आपको एक्चुअली में हुआ क्या है। रात को नींद नहीं आना, भूख कम लगना, अकेले में रहना, यू नो दूसरे से यू नो अपने बारे में खुल के नहीं बताना, ये सारी प्रॉब्लम मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रही। वो जो एक हिम्मत है ना वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन में लॉस नज़र आ रहा है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है फ्रेंड्स तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि क्या होने वाला है इस 11-11 पोर्टल में आपके लिए। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा चेंज जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस 11-11 पोर्टल में वो ये है कि आपके लाइफ में जो है क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ट्स का और ये कार्ड बात करता है क्लैरिटी की। तो अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों ने आपको गलत बातों में फंसा लिया, गलत बात में ट्रैप कर लिया, आपसे झूठ बोला, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, आपको लेकर कहीं ना कहीं गलत कुछ यू नो मिसकंसेप्शंस अगर उन्होंने बनाए हैं, तो इस चीज़ में आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। यूनिवर्स सबसे पहले ये काम आपके लिए करने वाली है। दूसरा मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो,
काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर आप जॉब करते हो और अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो सेटिस्फैक्शन आ रही है, आपकी कम्युनिकेशन मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो चाहे वो आपके बॉस से हो चाहे वो आपकी फैमिली से हो, इसमें मुझे क्लैरिटी इस पोर्टल के ओपन होते ही नज़र आ रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यस, ये एक रीयूनियन का टाइम है। और काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये भी मैसेज नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन था कि अब तक आप जिस भी रिश्ते में रहे हो, चाहे आपकी शादी टूट गई हो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में हो वो टूट गया हो, आपको कई धोखे मिले हो, कई सारे फॉल्स होप के साथ आप जी रहे थे, तो अब जो आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता था कि आपको कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको माँ का भी प्यार नहीं मिला है, तो ये जो एक प्यार की कमी आपने अपने लाइफ में झेली है, ये जो एक प्यार की कमी आपके लाइफ में हुई है, तो मुझे लग रहा है कि इस पोर्टल से पहले आपके लाइफ में एक स्लोनेस जो थी प्यार में वो डेफिनेटली बदलने वाला है, और वो प्यार जो है बहुत ही तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा यू नो तेज़ी से आपके लाइफ में आने वाला है। और ये पर्सन आपके डिवाइन सोलमेट है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आपके लाइफ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शादी भी करेंगे। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी जो है होने वाली है। एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरे से ये पूछे कि ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे, तो मुझे ये मैसेज भी यहाँ पर डेफिनेटली मिला कि इस पर्सन से आप हो सकता है किसी काम के सिलसिले में मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को आप जानते हो, ये पर्सन किसी भी तरीके से एज अ फ्रेंड या एज अ कॉमन कलीग ये पर्सन आपको मिल सकते हैं आपके वर्क एरिया में, या फिर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये आपको आपकी ग्रोथ की सीढ़ी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और वहीं आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते होंगे, ये पर्सन हो सकता है आप इनसे कभी मिले हो बट कभी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन इस पर्सन से नहीं हुई है, या फिर कभी आपने इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है इस पर्सन को, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में इस पोर्टल के ओपन होने से, ये इनकी एंट्री तो मुझे लग रही है कि हो सकती है काफ़ी लोगों की लाइफ में, 80-90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत हाई टाइम है कि आपके लाइफ में आपका सोलमेट जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उनके टाइम आपके साथ मिलने का बिल्कुल भी आ गया है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लोग अपने पैसे रुपए को लेकर, जॉब को लेकर अनसेटिस्फाइड थे, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर है 8 of Pentacles, साथ में यहाँ पे 9 of Swords के साथ 6 of Wands है, यानी कि ग्रोथ तो आपके लाइफ में है ही, जिसको रोक नहीं सकता। अगर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको आज तक कोई समझा नहीं, और काफ़ी लोगों की एनर्जी तो ऐसे लग रहा है कि पिछले 9 से 10 साल हो चुके हैं कि आप इस फेज में हैं, कहीं ना कहीं फैमिली से प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया आपकी मम्मी के साथ आपका नहीं बनना, फैमिली के साथ नहीं बनना, आपको नहीं समझा, इन चीज़ों से आप मुझे इस पोर्टल के ओपन होते ही बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है 8 से 9 घंटे में ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे, कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम 9 दिन, 8 से 9 दिन, यानी कि एक हफ्ते में ये बदलाव आपके लाइफ में होने वाला है। तो जो भी स्लो एनर्जीज थी, जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आपने अपने लाइफ में देखे थे, इन सब से आप डेफिनेटली बाहर आने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पोर्टल के बाद काफ़ी लोगों की शादी तय हो सकती है, गुड न्यूज़ आने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, अगर थोड़ी और मैसेजेस यूनिवर्स हमें देना चाहेंगे तो हम देख लेते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 of Wands, वी हैव 3 of Pentacles, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव अ पेयर किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि काफ़ी लोग के जो सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको जॉब में मिल सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर आपके हो सकते हैं, आपको मदद करने के लिए आ सकते हैं। और आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले, आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव अ पेयर, वाओ, वी हैव 8 of Swords, we have 10 of Cups and we have 8 of Cups. All right. तो कहीं ना कहीं मुझे जो
कंफर्मेशन यहाँ पर मिली है वो ये है कि जो लोग, जैसे कि मैंने बोला था रीडिंग के स्टार्टिंग में, अगर कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी इश्यूज में इन्वॉल्व है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका शादी टूटा या फिर आपका रिलेशनशिप टूट गया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका जॉब हो, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका ये रिलेशनशिप टूटा है, मैरिज टूटी है, या फिर आपका जॉब छूट गया है, ये सारे ऑब्स्टेकल से आप बाहर आने वाले हो। ये जो अकेले आप एक जंग लड़ रहे थे, जैसे कि मैंने कहा ये 8 से 9 साल हो सकता है, मिनिमम 5 साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 महीने भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। आपका ये जो फेज है 8 ऑफ सोर्स का, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि आप किस सिचुएशन में हो, आप इससे बाहर आने वाले हो। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये है आपकी रीडिंग और आपके लिए कुछ चिट्स मैंने बनाए हैं। लेट्स सी, आपके लिए आ रहा है मैरिज, ब्लेसिंग्स, प्रेगनेंसी, करियर और रीयूनियन। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, तो ये थी आपकी एक रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर।